तो गाइज मैं आज आपको थोड़ा सा गुवाहाटी की गलियाँ दिखा देता हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ जालुकबाड़ी, जो कि IIT गुवाहाटी के पास में है। तो मेरे को पल्टन बाज़ार से मैं इस बस में बैठा हूँ, इसी बस है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है जालुकबाड़ी। मीन्स के IIT गुवाहाटी पड़ेगा आपको अराउंड 12 to 15 किलोमीटर फ्रॉम पल्टन बाज़ार टू IIT गुवाहाटी। और IIT गुवाहाटी तो मैं आपको वहीं जाके दिखा दूंगा, बाकी आप यहाँ का गलियाँ देखिए और बिल्डिंग देखिए, देन आपको एनालिसिस कर सकते हैं कि अपने सिटी के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, कि IIT गुवाहाटी कैसा है आपके सिटी के कंपैरिजन में, अच्छा है या खराब है। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि IIT गुवाहाटी इज़ परफेक्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो एक बहुत डेवलप सिटी है वो है आपका गुवाहाटी, बिकॉज ऑफ ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का हब है, और एक तरीके से समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का ये दिल्ली है, महाराष्ट्र का मुंबई समझ लीजिए, देन कर्नाटक का बेंगलोर समझ लीजिए इसको, ऐसा है। ये जैसे रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी का, रेलवे स्टेशन के पास वाला ट्रैक, और इसी मार्ग इसी रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। ये फैंसी मार्केट है, एक चीज़ तो है कि गुवाहाटी बहुत डेवलप है, बहुत ज़्यादा। ये अभी कौन सा लोकेशन है मेरे को ये तो नहीं पता, जंगल से क्यों लग रहा है, जंगल तो गुवाहाटी में ही नहीं के। ओके अब मेरे को समझ आया, ये इधर आप ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तो वो जो घाट है उधर आसपास में कहीं है टेंपल वगैरह यहाँ पर, और मेरे को जो कंपनी दे रहा है ये गुवाहाटी विजिट करने में ये बैठा है हरि प्रकाश। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे घूम चुका हूँ, जब मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के घाट पे गया था यहाँ पे टेम्पल वगैरह है। और अरे हाँ वो बता दी, फैंसी जो बाजार है, फैंसी मार्केट वो यही है, तो पूरा यहाँ से फैंसी मार्केट शुरू हो जाता है, और आगे फिर मेन पॉइंट आएगा फैंसी मार्केट का, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे फैंसी मार्केट। और एक्चुअली कि ऑल टाइम में ये फांसी दी जाती थी यहाँ पे, तो फिर ऐसी चीज़ों को चेंज कर करके यहाँ पे फांसी की जगह फैंसी मार्केट बना दिया गया है। उधर है वो कहीं पीछे वाली साइड, और ये इससे पूरा फैंसी मार्केट है, अंदर आप एंट्री मारेंगे पूरा फैंसी मार्केट मिलेगा आपको, जो चाहे वो आप ले सकते हैं, और बहुत रीजनेबल प्राइस है। देखिए सामने আনন্দ আছে।
भट्टी की गलियों में देखेंगे भट्टी कैसा सिटी है। देन चलो जो तीन चार बात करेंगे हमें हमारे घर के पास ना बोले बोले खाना खाने वाले होने तो यार होने सा हमारा मिजुले रखो तुम लोग का दिखा सब नहीं फोन कुछ आ जाओ पर इतना अच्छा को खाओ ही बाजी 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 और सही टाइम पे ट्रेन देखने का मौका मिला है। ट्रेन कौन सी है? नहीं तो मेरे को पता नहीं टिकट लग गई साइड पे तो अभी ग्रीन का मजा लीजिए। यदि रेलवे और उसके बाद देखेंगे जालुकपुरी जालुकबारी वहाँ पे एक जगह है अपना मजा लेना है और वहाँ पे एक मॉल है आई फॉरगॉट नाम क्या है आजकल तो मैं जाके उसे दिखाऊंगा आपको कैसा मॉल है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब गुवाहाटी कराते हैं तो आप भी जा सकते हैं जालुकबारी में जो मॉल है आई गुवाहाटी घूम सकते हैं। मतलब भर भर की चीज़ें यहाँ पर घूमने के लिए ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ जाऊँ घूमने कहीं भी निकल जाए घूमने की चीज़ें मिलेंगी। हाँ देखो नेचुरल ब्यूटी देखो यहाँ पर ऊपर रेलवे ट्रैक साइड में बस लोगों का आना जाना ऊपर चढ़ना उतरना साइड में मछली भी खाते हैं। एक बात मैं हम लोगों और बता देता हूँ नॉर्थ ईस्ट में मछली बहुत खाते हैं लोग विदाउट मछली ये लोग सॉरी मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है तो मछली को ये लोग बोलते हैं माश और बोलेंगे ऐसे इतनी माश खबर कि आप मछली खाएंगे और उसकी रिप्लाई बोलूँगा अमी नो अमी माश ना खाओ इन में सॉरी आप मैं भी सही नहीं जानता तो नहीं बोल पा ये बस जो है साला इतना स्पीड चलता है और स्पीड को इतनी जल्दी कवर करता है मोमेंट्री करने के टाइम पे कभी मिस्टेक होता है तो उसको थोड़ा सा आप देख इग्नोर करना क्योंकि साइड में लोग बैठ रहे थे ना तो एकदम ओपन योर चेयर नहीं कर पाते मेरे को बहुत मज़ा आता है जब रेलवे ट्रैक के साथ साथ बस या बाइक चल रहा हो साथ में अपना परफेक्ट लगता है कामाख्या मंदिर वाला ही अभी किसी और चल रहा है या कोई और है पूरा डाउट में पूरा खुला टाइम आया था कुछ ऐसा ही रोड जो फ्लाई ओवर था और गाड़ी वाली चल रही थी ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे रीजन का हेडक्वार्टर है जो आप अभी सामने देख रहे हैं और ये जो बहुत पुराना कोई गवर्नमेंट का कोई बनाया हुआ वही लोकेशन होती है कि नॉर्थ ईस्ट का ये हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर का जंगल ज़्यादा दिख रहा है सर लोग मजे सो रहे हैं मैं तो सुन नहीं सकता बिकॉज मैं सो जाऊँगा तो फिर आपको गुवाहाटी की सुंदर वादियाँ और खूबसूरती को दिखाएगा तो अभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है इसमें मुझे लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ शायद और मैं कामाख्या रिलेशन शायद इस साइड में है जो पीछे भी गली दिखा था अब मुझे कंफर्म हो गया है कि ये जो है पीछे जो मैंने आपको दिखाया था वो कामाख्या टेम्पल रास्ते जाता है और इसलिए जो यहीं पे पीछे वाली साइड में कामाख्या रिलेशन है और ये फ्लाई और इस तरफ उधर उधर भी डाइवर्ट हो गया है और तो
ये जो आप लोकेशन अभी देख रहे हैं ये अदाबारी लोकेशन है, इस जगह का नाम अदाबारी है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनमें अदा भर भर के होती है, स्पेशली लड़कियों में अदा कुछ ज़्यादा ही होती है, उसी से मुझे लगता है नाम उसका अदाबारी रख दिया है अदाबारी। अच्छा दूसरा ये बारी यहाँ पे घर होता है तो हर जगह ना बारी बारी कहीं मिलेगा, ये पिजालू बारी अदाबारी ये बारी वो बारी 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 मिलेगा। ये आप देखिए मेरे हरी का जो फ्रेंड है मस्त में और ये देखिए आप क्या वेस्ट साइड सो में कितना है और फीमेल ही आइटम दिखा है टाटा एंटरप्राइज अदाबारी में। अदाबारी मुझे लगता है यहाँ पे तो हसीना है बल्कि अभी हमारा बस रनिंग है अदाबारी जो कि हसनाओं की अदाओं से भरी हुई जगह है अदाबारी। सामने मेरे को रेलवे स्टेशन दिख रहा है रेलवे ट्रैक फ्री मेरे को देखने को मिला है क्योंकि रेलवे ट्रैक देखते ही मेरी जान में जान पड़ जाती है, इतना एनर्जी मिलता है रेलवे ट्रैक देख के आपको, ट्रेन देख के कितना एनर्जी मिलता है इमेजिन। सो गाइस फाइनली जादू बारी हम पहुंच गए, मैं तो बैठा हुआ था आराम से मिल सब ले लिया भर भर के बना रखे हैं। और ये भी जालू बारी हम यहाँ पे उतरे हैं तो यहाँ से आगे एक जगह ये कौन सा क्या है नहीं समझ में आ रहा है, देखते हैं इसको क्या है। मेरे को लगता है यहाँ से भी कोई बस करके कहीं किसी और लोकेशन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम लोगों को जहाँ पहुँचना है तब जाके पहुँचेंगे या कोई गाड़ी वगैरह करके। और ये भी बच्चा मतलब ऐसे मेरे को पकड़ लिया, समझ नहीं आ रही है ऐसा मांग रहा है कि मोबाइल छीन छीनने जा रहा है। कहाँ जाना है यहाँ से भी जा रहा है, अभी बस पकड़ना पड़ेगा यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं हम लोग कैसे, ये दो लोगों का सीट है, एक लोगों का एक का सीट है लेकिन दो लोग यहाँ बैठे हैं, इधर देखिए आप दो इधर बैठे हैं जबकि वहाँ पर एक बैठना है, यहाँ पर हम बैठे हैं, हम लोगों को एक को बैठना था तो दो सीट पे चार लोग बैठे हुए थे यहाँ पर।